रविंद्र सिंह भाटी एक ऐसा युवा जो अपने राजनीतिक सफर में आई चुनौतियों से लड़के बहुत ही कम उम्र में देश भर के युवाओं के लिए संघर्ष का पर्याय बन गया। महज 26 साल की उम्र में इस युवा ने इतना कुछ कर दिया कि देश भर में इसकी बेबाकी, राजनीति और भविष्य की चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि दिग्गज नेताओं को भी इस युवा नेता से खतरा महसूस होने लगा है। चुनावों से ठीक पहले भाटी पर देशद्रोही होने के आरोप लग रहे हैं। क्या यह विरोधियों की एक साजिश है या फिर इन आरोपों में कुछ सच्चाई है? बगैर किसी स्टार प्रचारक और किसी पार्टी के नाम के भी यह युवा जिस भी क्षेत्र से चुनावी हुंकार भरता है उस क्षेत्र की चर्चा खुद ब खुद पूरे देश भर में फैल जाती है। लोगों से बात करते समय हमेशा जनता को भरोसा दिलाता है कि चुनाव वह खुद नहीं लड़ रहा बल्कि इस चुनाव को सारी जनता मिल के लड़ रही है। और इसी भरोसे के दम पर इस युवा ने अब तक अपने जीवन में लड़े दोनों चुनाव जीते हैं और आने वाले आम चुनावों में भी बाड़मेर से केंद्रीय मंत्री के सामने चुनावी हुंकार भर रहे हैं। इस हुंकार में कितना दम है? क्या सच में भाटी लोगों के द्वारा मिल रहे इस प्यार के लायक है? और आखिर क्यों लोग भाटी के समर्थन में पागल होते जा रहे हैं, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई मीडिया की स्पेशल सीरीज, जहां हम आपको बताते हैं भारत के अलग अलग नेताओं के जीवन की कहानियां। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रविंद्र सिंह भाटी, जिन्हें रौसा के नाम से भी जाना जाता है, उनकी, और जानेंगे कि आखिर कैसे एक साधारण स्कूल मास्टर का बेटा राजनीतिक गलियारों में धीरे धीरे अपने पांव मजबूत कर रहा है। 3 दिसंबर 1997 को बाड़मेर के दुधोड़ा गांव में शैतान सिंह भाटी और अशोक कंवर के घर रविंद्र सिंह का जन्म हुआ। इनके पिता एक स्कूल मास्टर हैं और माताजी गृहस्थी संभालती हैं। शुरुआती शिक्षा वहीं गांव के स्कूल से हुई, फिर उसके बाद रौसा ने बीए कर एलएलबी करने के लिए जोधपुर के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। इस दाखिले के बाद ही रौसा के जीवन में राजनीति के लिए आकर्षण पैदा हुआ और उन्होंने एबीवीपी ज्वाइन कर ली। हालांकि उनका पूरा परिवार पूर्ण तरीके से कांग्रेसी है, लेकिन फिर भी रौसा ने बीजेपी समर्थक एबीवीपी ज्वाइन की। यहां उन्होंने छात्र संघ चुनाव लड़ने का मन बनाया और एबीवीपी से टिकट प्राप्त करने के लिए जम के मेहनत की, पर किन्हीं कारणों के चलते उन्हें एबीवीपी से टिकट नहीं मिल सकी। टिकट ना मिलने के कारण रविंद्र सिंह भाटी के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ और उन्होंने तय किया कि चाहे टिकट मिले या ना मिले, पर वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। टिकट कटते ही उन्होंने यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच में आके एक भाषण देते हुए छात्र संघ चुनाव निर्दलीय लड़ने की घोषणा की। 27 तारीख गिनती ला 11 दिन एड़ी चोटी जोर लगाड़ू है, यूनिवर्सिटी जीता, दिखाओ भैया ना कि कोई मैं पद रहा या कोई ये पार्टी रहा, कोई गुलाम तो नहीं, राजपूत। एक तरफ छाती ठोक, यह भाषण लोगों को इतना पसंद आया कि चुनावों के इतने सालों के बाद भी सोशल मीडिया पर रीलों के माध्यम से वह भाषण वायरल है। 2019 में मात्र 21 साल की उम्र में रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी जेएनवीयू के छात्र संघ चुनाव जीत के इतिहास बना दिया। पहली बार जेएनवीयू से किसी निर्दलीय ने जीत के अध्यक्ष पद हासिल किया था। इस पद से रौसा राजनीति में उतर चुके थे और फिर कोरोना के कारण उनका कार्यकाल भी 3 साल का हो चुका था, जिसका उन्होंने खूब फायदा भी उठाया। वे लगातार छात्र हितों के लिए आवाज उठाते रहे और अलग अलग मुद्दों पर प्रोटेस्ट करते रहे, जिससे देश भर में उन्हें काफी लोकप्रियता मिली। कुछ प्रमुख मुद्दों की अगर बात करें तो उनके कार्यकाल में यूनिवर्सिटी की 39 एकड़ जमीन को एक कन्वेंशन सेंटर के लिए बेचा जा रहा था, जिसका उन्होंने विरोध किया और उस 39 एकड़ जमीन को बचाया। इसी दौरान उनके काफी वीडियो वायरल हुए और एक मजबूत छात्र नेता के रूप में उनकी छवि देश भर में स्थापित हुई। कोरोना के समय जब देश भर में सबको घरों के अंदर रहने के आदेश थे, उस समय भी रविंद्र सिंह भाटी मैदान में थे और जेएनवीयू में फीस को कम कराने के लिए छात्रों के साथ संघर्ष कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने एक और बड़ा आंदोलन किया, जिसमें उन्होंने सीधी गहलोत सरकार पर उंगली उठाई और 19 सितंबर 2021 को जयपुर में बेरोजगारों के हक के लिए विधानसभा का घेराव किया और सरकार से मांग की कि राजस्थान में आने वाली भर्तियों में 75% आरक्षण केवल राजस्थान के लोगों को ही मिलना चाहिए। इसके अलावा रौसा ने ओरन बचाने के लिए भी काफी संघर्ष किया है। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के इलाकों में पुराने समय से लोग गायों के चरने के लिए जमीनें दान किया करते थे और फिर उनमें से एक छोटी डाली भी नहीं तोड़ते थे। इसी जमीन को वहां की आम भाषा में ओरन कहा जाता है।
जिसे अब धीरे धीरे सरकार बड़ी बड़ी कंपनीज को बेच रही है। इस जमीन को बचाने के लिए भी रौसा ने काफी समय तक संघर्ष किया है। जनता के हक के लिए लगातार लड़ते रहे रविंदर सिंह भाटी को इस लड़ाई का फायदा भी मिला और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। इसी दौरान उन्होंने अपने विधानसभा के चुनावों की तैयारी भी शुरू की। शुरू से बीजेपी की विचारधारा के समर्थक रहने के कारण और शिव विधानसभा से बीजेपी से टिकट की उम्मीद में रौसा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन एबीवीपी की ही तरह बीजेपी ने भी एंड टाइम पे रौसा की टिकट काट दी और स्वरूप सिंह खारा को टिकट दे दी। लेकिन टिकट कटने से भी रौसा की हिम्मत कम नहीं हुई और उन्होंने एक बार फिर से जनता पर भरोसा रखते हुए निर्दलीय ही चुनावी हुंकार भरी और मतदान से पहले शिव विधानसभा में आने वाले सभी क्षेत्रों में जनता से मुलाकात की, उन्हें परिवर्तन और विकास का भरोसा दिलाया। इस भरोसे के बदले आम जनता ने रौसा को वोट दिए और शिव का विधायक बनाया। विधायक बनने के बाद जैसे ही 2024 के आम चुनाव आए तो एक बार फिर से रौसा ने निर्दलीय हुंकार भरी और इस बार जैसलमेर बाड़मेर से एमपी की सीट के लिए दावेदारी ठोकी। इस दावेदारी ने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया। हालांकि रौसा कभी एमपी का चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन एमएलए बनने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि रौसा के स्वाभिमान को ठेस पहुंची, जिसका जवाब देने के लिए रौसा ने एमपी के चुनावों की ताल ठोकी। हुआ यूं कि 14 मार्च 2024 को जलदाय विभाग का बाड़मेर को लेकर एक पत्र वायरल हुआ, जिसमें यह जानकारी थी कि कौन से क्षेत्र के विधायक की इच्छा के अनुसार उस क्षेत्र में कितने हैंडपंप लगाए गए हैं। इस पत्र में सिवाना, चौहटन, अहोर जैसे क्षेत्रों का जिक्र था और इसी पत्र में नाम था शिव विधानसभा क्षेत्र का, लेकिन यह क्षेत्र बाकी क्षेत्रों से थोड़ा अलग था। शिव का नाम पत्र में दो जगह था, एक जगह पत्र में शिव को 20 हैंडपंप मिले तो दूसरी जगह मात्र दो। 20 हैंडपंप प्रदान करने वाली जगह पर नाम था स्वरूप सिंह का, जो कि शिव से हारे हुए कैंडिडेट हैं और रौसा ने ही इन्हें हराया था। वहीं रौसा के नाम के आगे मात्र दो हैंडपंप दिलाने का जिक्र था। एक जीते हुए विधायक से ज्यादा कार्य का श्रेय हारे हुए उम्मीदवार को दिया गया। इस बात ने रविंदर सिंह भाटी को मजबूर कर दिया एमपी का चुनाव लड़ने के लिए और देश की सबसे बड़ी पंचायत का हिस्सा बनने की लड़ाई लड़ने के लिए। और रौसा ने बाड़मेर जैसलमेर की सीट से एमपी की ताल ठोक दी। फिर 4 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भर दिया। उनकी नामांकन रैली में इतनी भीड़ थी कि एक बार तो प्रधानमंत्री का काफिला भी कम पड़ जाए। ऐसा सिर्फ बाड़मेर में नहीं, बल्कि रविंदर सिंह भाटी जहां भी जाते हैं पूरे देश में उनका स्वागत इसी तरीके से होता है। युवाओं में भाटी का अलग ही लेवल का क्रेज है। बाड़मेर में रौसा के अलावा दूसरे अहम उम्मीदवार हैं बीजेपी के कैलाश चौधरी, जो कि मोदी सरकार में फिलहाल मंत्री भी हैं। लेकिन रौसा के सामने चुनाव लड़ने के लिए इन्हें भी केंद्र सरकार से मदद लेनी पड़ रही है और खुद पीएम नरेंद्र मोदी इनके चुनाव में प्रचार के लिए अभी कुछ दिन पहले ही बाड़मेर आए थे। इन चुनावों में भी पिछले चुनावों की ही तरह रौसा ना तो किसी स्टार प्रचारक का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही किसी पार्टी के नाम का। उनकी इकलौती ताकत है जनता का उनके प्रति प्रेम और भरोसा। लेकिन इन चुनावों में रौसा पर एक नया आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें रविंद्र सिंह को देशद्रोही कहा जा रहा है। एमएलए बनने के बाद फरवरी में भाटी व्यक्तिगत लंदन दौरे पर गए, जहां उनकी मुलाकात बहुत से लोगों से हुई। उन लोगों में दिव्येश आनंद भी शामिल थे। दिव्येश लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रीडर और प्रोफेसर हैं। उनकी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में वे फ्री कश्मीर और फ्री फिलिस्तीन के पोस्टर लिए खड़े हैं। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी पर भी ISI एजेंट होने का आरोप लगा है। भाटी के विरोधियों का कहना है कि यहीं से भाटी को चुनावों के लिए फंडिंग मिलती है और इस बारे में पूछे जाने पर भाटी ने बताया कि देश में बहुत सी जांच एजेंसीज हैं, किसी से भी जांच करवा के देख लो। भाटी ने इस मामले में अपने आप को निर्दोष बताया और उनके समर्थक भी सोशल मीडिया पर यही कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले इन चुनावों में क्या रौसा चुनाव जीतकर इतिहास बना पाएंगे या फिर यह देशद्रोही होने का आरोप उनकी एमपी की सीट उनसे छीन लेगा। साथ में एक सवाल यह भी बनता है कि यदि वे जीतते हैं तो जीतने के बाद भी क्या वे निर्दलीय ही रहेंगे या फिर किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे। वैसे तो वे अपने आप को राष्ट्रवादी सोच का आदमी बताते हैं, जिस कारण उन्हें अक्सर बीजेपी की विचारधारा का समर्थन करते हुए भी देखा जा सकता है। दो बार बीजेपी से धोखा मिलने के बाद भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अभी भी मेंबर ऑफ बीजेपी ही लिख रखा है, जिससे यह समझ आता है कि उनका मन तो अभी भी बीजेपी पर ही है। और जैसे ही बीजेपी रविंदर को उनकी अपनी शर्तों पर अपने साथ जोड़ने को तैयार होगी, वैसे ही रौसा भी बीजेपी का हिस्सा बन जाएंगे। पर लोग रौसा पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि जब फरवरी में वे लंदन दौरे पर थे तब वहां उनकी मुलाकात राहुल गांधी से भी हुई थी,
तो अभी कुछ भी फिक्स कहना सही नहीं है। आपको रविंद्र सिंह भाटी की यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए बिग वाई मीडिया से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।